सो गाइस, कल तो गया था मैं नाइन आर्क ब्रिज में, लेकिन आज भी जा रहा हूँ क्योंकि कल अंधेरा बहुत था। तो आज थोड़ा सा लाइट बचा है। ये भी तो अंधेरा ही लग रहा है मुझे। यहाँ से 10-2 किलोमीटर मेरा हॉस्टल से वॉकिंग फिर ट्रैकिंग। हाय। तो और ये है वो कुत्तू पराठा, और दिखाते हैं आपको इवनिंग में कैसा दिखता है कला। तो नाइन आर्क ब्रिज कितना? गो एंड बैक। हाँ, गो एंड बैक। हाउ मच? वेरी लेस। व्हाट्स द प्राइस? 100 rupees। 2 kilometer ओनली। 100 rupees? 2 kilometer ओनली। ओनली 2 kilometer फ्रॉम हियर। ओनली गोइंग हाउ मच? ओनली गोइंग हाउ मच? भाई यहाँ 2 किलोमीटर के लिए आना जाना 1000 रुपये मांग रहे हैं यार, मतलब लूट रहे हैं। इसे अच्छा पैदल ही चलो यार, 10 मिनट लगेगा और क्या, 10 मिनट्स होगा वॉकिंग। अभी हो रहा है 4:38। अगर मैं 5 बजे भी पहुँचूँगा तो मेरे पास 1 घंटा टाइम है, लाइट रहेगा पूरा। और यहाँ से नीचे जाते हैं, देख लो यहाँ से नाइन आर्क ब्रिज नीचे, नाइन आर्क ब्रिज। एक्चुअली वो नाइन आर्क है ऐसे 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 ऐसे, उसमें ना। हेलो हेलो, हाउ इज द ब्रिज? हाउ फार? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स फ्रॉम हियर। ओके। हेलो, सॉरी। अरे यार, अभी तो मैं गिर गया था तो थोड़ा संभल के चलना है भाई। जूते संभाल के, और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं नाइन आर्क ब्रिज। हेलो गाइस, विच कंट्री? नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स, नाइस। एंड यू? इंडिया। सो गाइस, आओ देख लो भाई, बहुत ही खूबसूरत है भाई, और क्राउड तो देखो। आ जाइए, देखते हैं टनल। सोच गई यही है आर्क ब्रिज, और कल मैं आया था तो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था, तो अभी थोड़ा उजाला है तो आप देख लो आर्क ब्रिज। तो दिखाते हैं आर्क ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत है, और देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा दिखता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। सो गाइस, यही वो जगह है जहाँ मेरे स्पेक्स का जो कवर है वो गिर गया भाई, वो सेट्स का। तो मैंने आज श्रीलंका में आके 2 चीज़ घूम किया है, एक तो 5000 का रेवन, और इसके बाद इसका कवर भाई। तो यहाँ आने के बाद मैंने क्या क्या दान दिया है। तो आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आर्क ब्रिज का टनल। ये बहुत पुराना ब्रिज है। तो आइए चलते हैं, आपको टनल दिखाते हैं, टनल के इस पार से उस पार जाते हैं। मेरा बहुत मन था यार जाने का, तो चलिए देखते हैं और अंदर जाते हैं।
सो गाइस ये होटल चलिए क्रॉस करते हैं। मैं बैंगलोर बैंगलोर कोर मंगला मालूम है। कब आए? मैं अभी 5 डेज हो गया। इधर से बस फर्स्ट टाइम है ना? ये अला 5th डे अभी और कैंडी निवारे एलिया और जाफना ये सब घूमना है। ओके सलाम सोलो ट्रैवलर। ओके बाय बाय बहुत अच्छे लोग यार हिंदी भी आता है इनको। शायद वो बैंगलोर पहले जा चुके हैं तो हिंदी में बात कर रहे थे। जिसके बारे में बात कर रहा था ये पहले श्रीलंका के नोट में भी आपको दिखने मिल जाएंगे बहुत सारे चीज़ में तो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस और करीब से दिखाते हैं आपको नाइनार ब्रिज। वाओ क्या खूबसूरत है यार ये। अब चलते ऊपर से आपको दिखाते हैं इसका व्यू। तो आ जाइए करने का ये ट्रैक पे। ओ माय गॉड आज वो कंप्लीट हो गया है और अब देखो ये ब्रिज को। और यहाँ पे ना कुछ कुछ देर में ट्रेन गुजरती है वो भी हम आपको दिखाएंगे दिखाते हैं उसको। एक्चुअली अभी बजा है 6:25 6:50 में एक ट्रेन आएगी उसका वेट करते हैं और दिखाएंगे यहाँ से गुजरेगी तो। और बहुत ही खूबसूरत है और ऊपर जो छोटे छोटे घर हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है यार। दिन में आता तो और भी खूबसूरत दिखता है ये। तो अभी मैं एला में 2 दिन के लिए हूँ और ये छोटा सा बच्चा। हेलो हाय हे हेलो हाय वेरी बिजी। हाय तो अब बाय बाय बोलते हैं इस ब्रिज को और चलते आगे। और ये और रोटी तो ये रोटी के साथ मिलके बनता है कुत्तू रोटी और हमारा प्रॉन्स। ये कौन सा ग्रेवी है? और कुछ ग्रेवी बनाया उन्होंने अलग सा। और प्रॉन्स कहाँ है भाई? प्रॉन्स प्रॉन्स वेयर इज प्रॉन्स? ओके तो भाई जैसा प्रिपेयर होता है भाई कुत्तू रोटी। ये अभी पूरा नहीं बना है आधा ही बना है इसमें प्रॉन्स डालना बाकी है। और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और इसमें ये प्रॉन्स डालेंगे। ये डाला प्रॉन्स भाई मज़ा आ जाएगा खा के तो आज। कल से मैं ना कैसे जी रहा हूँ भगवान जाने।
So almost mera ready ho chuka hai. Pizza small small. Ready? Okay. Please come. So ready ho gaya bhai. Ab wo serve karenge aur likha tha. So ye bahut hi acha restaurant hai. Dekhiye ambiance bahut hi khoobsurat hai. So chaliye baithte hain aur khate hain. So guys, आ रहा हमारा कुत्तू पराठा जो फाइनली आ गया है. और ये है वो कुत्तू पराठा जो फाइनली रेडी हो चुका है. और ये मैंने गर्म पानी मंगाया था. और यहाँ का रेस्टोरेंट भाई बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये. चलिए खाते हैं और बताते हैं. खाते समय पता है ना मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो खाने के बाद टेस्ट बताते हैं आपको, रिव्यू देते हैं. तो यार मैंने सोचा वीडियो बना ही लेते हैं यार. तो देखो आप अच्छा है, थोड़ा ग्रेवी उसके साथ है. कुत्तू पराठा नाइस. शायद 540 रुपीज़ का है, इंडियन में 200 रुपीज़ का पड़ेगा. और रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक चीज़ था मैं 520 का, तो 200 रुपये से थोड़ा कम देते हैं और निकलते हैं और दिखाते हैं आपको इवनिंग में कैसा दिखता है कला. सो भाई कुत्तू खाया मैं हुआ ये, और ये रेस्टोरेंट का नाम है रोटी का. अच्छा है, अभी रात में दिखाता हूँ लाइटिंग है पीछे का. देखिए तो भाई देखो रात में लाइटिंग के साथ कितना अच्छा दिखता है वो. ये देखो ये रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत है. ये भी एक रेस्टोरेंट है, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है. ₹300 बॉय. पता नहीं 300 लिखा था क्या है मालूम नहीं. तो आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही खतरनाक रेस्टोरेंट. ये देखो मेरे पीछे ग्रिल कैफे, और ये भी एक कैफे है. बेकरी, बेकरी भी है भैया. और ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही खतरनाक है, क्या आर्किटेक्ट बनाया है, सिर्फ लकड़ी का बना है ये. देखो नाम है UFO. हाँ मेरे को लग रहा है कभी भी उड़ जाएगा ये, कभी भी चल जाएगा, एलियन आएंगे लेके जाएंगे इसको. तो भाई संभाल के आना, नहीं तो आपको एलियन लेके यहाँ से उड़ सकता है. UFO लिख दिया है, एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नाम है UFO. और क्राउड बहुत ही अच्छा है यार, यहाँ का इवनिंग का क्राउड एकदम अच्छा हो जाता है. और देखो कितने भरे पड़े हैं लोग. लग रहा है कहाँ से आ रहे हैं यार इतने लोग. तो अभी इतना ही दिखाता हूँ, चलते हैं रिटर्न अपने हॉस्टल की तरफ और रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह में जाना है मुझे निवारा एलिया, तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा. और एक वीडियो डाल रहा हूँ आज श्रीलंका ब्लॉग का, तो उसमें भी लगता है मेरे को यहाँ का जैसा इंटरनेट है, ये घंटे तो लग ही जाएंगे यार. तो वो देखो रेस्टोरेंट खूबसूरत है. सो आज का दिन पांचवा दिन यहीं पे एंड करते हैं.
और आज का ब्लॉग यहीं पे, सो साइनिंग ऑफ गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं थक भी गया हूँ, वो गुफा गया था यार, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सोता हूँ। और सुबह ऑलमोस्ट 5:30 को उठना है। ओए ओए यार, यहाँ के रोड, यहाँ का टुकटुक वाले तो बड़े ख़तरनाक है, कभी भी आगे ठोक देते हैं। मेरे रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, तो मन तो नहीं कर रहा साइनिंग ऑफ। तो गाइस साइनिंग ऑफ।